सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नारी एक नारायणी का रूप है। आज ये नारी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। ऐसे ही कुछ सामाजिक कार्य में अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनजीओ ने कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। उन्हीं बच्चों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संस्था ने अनमॉडल हंट का आयोजन किया, जहां कई महिला बच्चे पुरुषों ने इसमें हिस्सा लेकर जरूरतमंद बच्चों को मदद की। ये रैंप वॉक कॉम्पिटिशन था जहाँ उम्र और साइज की कोई बाउंड्रीज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और अच्छी सोच को स्टेज पर उतारा गया। इस मौके पर सेलिब्रिटी गेस्ट रहे अक्षय डोगरा, राधिका छाबरा, विकास शर्मा, रोहन सिंह, साथ ही जूरी अनुजा राव और कोरियोग्राफर पार्टनर प्रियल पडोरवाला मौजूद रही, जिन्होंने 40 प्रतिभागियों में से 15 लोगों को चुना गया और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी से जुड़े प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका उनको यह दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के आयोजक एक्स्ट्राऑर्डिनरी की फाउंडर करुणा प्रसाद संखे, टीम मेंबर अमृता कनौजिया और उनकी पूरी टीम रही, जिन्होंने ये प्रोग्राम को खूबसूरत तरीके से आयोजित किया। Thank you so much for having me, Karuna. This is really, really, really good what you guys are doing. And that was one of the reasons why I think I usually मना कर देता हूँ, मैं आता नहीं किसी भी इवेंट के लिए, but this was something that I felt you guys are doing it from the heart and it shows. And all the very best to everyone who's doing this. And best of luck for your further endeavors. And whatever support you guys need from me. तो मैं लाइक आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी का अनमॉडल हंट ये जो नाम है यही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बिकॉज ये लोग स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहे हैं। लाइक मॉडलिंग के हमारे मन में एक यू नो डेफिनेशन है कि एकदम स्लीक, स्लिम, टॉल ऐसा होना चाहिए। सो देयर इज अ ब्रेकिंग दैट स्टीरियोटाइप, मुझे तो सबसे पहले वही बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ये जो फाउंडेशन नारियों के लिए, लेडीज़ के लिए जो काम करती है, दैट इज़ सो ग्रेटफुल। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के। द इवेंट नेम इज़ अनमॉडल हंट। मॉडलिंग सब करते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में आना सबको पसंद है, बट इस शो में, लाइक इस इवेंट में कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं, कोई वेट नहीं, नो स्किन कलर, नो एज बार। सो दिस इज़ फॉर एवरीवन, सबके लिए था, छोटों से लेके बड़े तक। सो आई एम रियली थैंकफुल टू करुणा कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी उन्होंने अवेलेबल करवाई थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि सबको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है व्हेन दे फेस द प्लेटफॉर्म, व्हेन दे फेस सच प्लेटफॉर्म। सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट इवेंट। अगर हम किसी भी इंसान की बात करें तो देखिए, उम्र, रंग, जात, लिंग, सब भगवान के बनाए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का कोई भेद इसमें होना चाहिए। सब बराबर हैं, सब भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं। तो लेकिन हाँ, कुछ अपनी अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। और वैसी एक जिम्मेदारी मेरा मानना है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो फाउंडेशन ग्रुप है, ये एक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन ज़रूरी लोगों तक वो ज़रूरत, उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाकर। जैसे कि अभी आप ये अनमॉडल हंट इन्होंने कॉन्टेस्ट रखा, जिसमें वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, जिनके मन में कहीं एक बार एक ऐसा विचार आता है, जो हीन, कई बार होता है कि क्योंकि जिन लोगों की हाइट नहीं होती उनमें थोड़ा सा एक हीन भावना आती है कि शायद हम कभी रैंप पे वॉक नहीं कर सकते, हम मॉडलिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया, जहाँ पर सभी प्रकार के लोग, हर तरह के इंसान, हर तबके के इंसान, हर उम्र के इंसान आए और परफॉर्म कर सके और अपना एक जो उनके अंदर की एक जिज्ञासा है उसको निकाल सके। एक्चुअली सबसे बड़ी एक्स्ट्रा बात ये है कि यहाँ पर 1, 2 या 3 ही 15 विनर्स होने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। एंड जजेस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने सिर्फ एक मैसेज किया है कि भाई हमारा ऐसा इवेंट है जो महिलाओं के लिए और एनजीओ के लिए, एंड
किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया और अपने आप उन्होंने कहा हाँ हम आ रहे हैं. सो आई एम थैंकफुल टू ऑल द जजेस जो हमारे साथ जुड़े हैं एंड बहुत ही ऑनेस्टली उन्होंने पूरे स्कोरिंग किए तो हमारा काम बड़ा ईजी हो गया है. सो थैंक यू. अगर ये प्लान होता अगर आप मॉडल कहें जैसे मॉडल बोला मेरे से पूछे रहे सच में यही मॉडल है जी. हम जाते हैं तो जाते रहते हैं पार्टीज में या मॉडल हंट में वगैरह में बट दिस इज़ द एक्चुअल मॉडल हंट सीरियसली क्योंकि वो समाज के वो लोग थे और जिस तरीके से एक्स्ट्रॉर्डिनरी ने इसे ऑर्गेनाइज किया मतलब हर एज के लोग थे. आप 4 साल 3 साल के बच्चे से लेके 57, 58, 60 साल के लोग और वो जिस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेशन किया अपना जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी दैट इज सीरियसली मतलब डैम मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ. रेस्ट करना को बहुत सारी शुभकामनाएं और अगर हम कुछ कर पाएँ एक्स्ट्रॉर्डिनरी के लिए तो हम हमेशा साथ खड़े. मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था आज ऑल ऑफ सडन पहुँचा और जब मैंने ये देखा सीरियसली डैम गुड थैंक यू सो मच. ज़्यादा मुश्किल था एक्चुअली क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि बच्चे बड़े और यहाँ पर अबव 70 ईयर ओल्ड फीमेल्स हैं तो उनमें वो जो कॉन्फिडेंस लो होता है वो मुझे एक्चुअली पुश करना पड़ा है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है. बट सबके दिल में वो चाह होती है कि हमें लाइफ में एक बार रैंप पे चलना है तो उनको कॉन्फिडेंस देके वो पुश करना और स्टेज तक लाना बहुत ही चैलेंजिंग रहा है. बट आई वॉज एबल टू डू दैट. मिसेस पुष्पा गोस्वामी हाँ कंटेस्टेंट हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एंड प्राउड टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेम्बर. करुणा इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब. हम जो घर पे पड़े होते हैं लेडीज़ पड़े होते हैं यस बिकॉज कोई हमारी वैल्यू नहीं करता है बट शी इज़ गिविन अ वैल्यू टू अस एंड ये जो अनमॉडल हंट का ये रखा है उन्होंने इट्स रियली नाइस. कुछ नहीं दी गई है बट हमने एक ऑनलाइन जूम सेशन रखा था जहाँ पर उनको गाइड किया गया था कि कैसे चलना है कैसे बात करनी है और मैंने कुछ वीडियोज उनके मैंने शेयर किया. मैं एक ट्रेनर हूँ प्रोफेशनली तो ट्रेनिंग थोड़ी बहुत हेल्प कर गई मुझे उनको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में एंड दैट हेल्प देम अ लॉट. हेलो एवरीवन मायसेल्फ श्रुति सिंगल आई एम अ कंटेस्टेंट नंबर 14 और ये अनमॉडल हंट मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस एंड करुणा के लिए जितना मैं बोलूँ उतना कम है. हर स्पिरिट एंड हर कॉन्फिडेंस एवरीथिंग इज सुपर. थैंक यू फॉर दिस इवेंट. हाय माय नेम इज़ गौरांगी संदीप कदम. आई एम 10 years old. आई डिडंट थॉट दैट आई वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन. I thought I could not learn this walk. But as I started practicing, I did this walk and now I am a part of this competition. Thank you for this competition. I loved it and I am proud of this whole nature. माझं नाव नीलम आहे. मी 57 years old आहे. आणि करुणा मॅमने मला इन्करेज केलं की आंटी तुम्ही ह्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करा काय करून बघा तुम्हाला आवडेल म्हणून त्यांच्या यांनी एन्करेज करण्यामुळे मी जरा एक्साइट झाले आणि मी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉडेल हंटमध्ये पार्टिसिपेट केलेलं आहे. थँक्यू. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ऐसा कम्युनिटी है जिसमें 7,000 से भी ज़्यादा महिला जुड़ी हुई हैं. हमारा एक फाउंडेशन भी है जिसका नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडेशन है और उसी के चलते हमने एक फंड रेजर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जो था अनमॉडल हंट. हम लोगों ने 15 विनर्स अनाउंस किए हैं और उन 15 विनर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1 year ब्रांड एम्बेसडर बनने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लाउड किचन के प्रोडक्ट्स के. सो एक बहुत अच्छा इवेंट रहा. 300 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स और राधा हमारे पास रजिस्ट्रेशन आए एंट्रीज आई और उनमें से हमने 40 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जिसमें वी फीमेल्स थी मेल्स थे एंड बच्चे भी थे एंड वहाँ से हमने फिर राउंड्स किए. ऑनलाइन राउंड्स हुए 2 ऑनलाइन राउंड्स एंड 1 ऑफलाइन राउंड जिसमें एक बहुत मज़ेदार फैशन शो प्लस टॉक क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन बहुत मुश्किल के बाद हमें 15 विनर हमारे मिल गए हैं एंड वी हैड एन अमेजिंग टाइम.